कभी सोचकर देखा है दोस्तों, जब आप सिनेमा में फिल्म देखने जाते हो तो वहां पर पॉपकॉर्न का प्राइस इतना महंगा क्यों होता है? एक सिंपल रीजन तो ये है कि अगर पॉपकॉर्न का प्राइस बढ़ाने की जगह मूवी की टिकट का प्राइस बढ़ा देंगे तो लोग कम देखने आएंगे सिनेमा में। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन थिएटर्स के बिजनेस मॉडल से रिलेटेड। जैसा मैंने आपको बिजनेस मॉडल ऑफ बॉलीवुड फिल्म्स वाले वीडियो में बताया था कि थिएटर्स को कुछ परसेंट अपने टिकट सेल्स का पैसा एक्चुअली में प्रोडक्शन हाउसेस को देना पड़ता है। अगर पीवीआर और इनॉक्स जैसे मल्टीप्लेक्स में रिलीज हुई है कोई फिल्म तो फर्स्ट वीक की कलेक्शन का 50% पैसा फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाता है। अब क्योंकि ये मल्टीप्लेक्सेस ज्यादा पैसे नहीं कमा पा रहे टिकट सेल्स से, तो ये दूसरे जरिए ढूंढते हैं पैसे कमाने के, जैसे कि पॉपकॉर्न के जरिए। एक और इंटरेस्टिंग रीजन ये है कि अगर पॉपकॉर्न को सस्ता बना दिया तो और लोग पॉपकॉर्न को खरीदना चाहेंगे, ज्यादा लंबी लाइनें लगेंगी और काउंटर्स की जरूरत पड़ेगी और स्टाफ मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी, थिएटर्स को और खर्चा उठाना पड़ेगा। इससे अच्छा यही है कि पॉपकॉर्न को ज्यादा प्राइस पर रखो ताकि कम लोग खरीदें लेकिन कुछ पैसा भी कमाया जा सके।